दोस्तों अगर आप भी सरफराज खान, यशस्वी जायसवाल और जडेजा को अच्छा खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ 434 रन से भारत की टीम ने जीता तीसरा टेस्ट मुकाबला। तो दुनिया भर के दिग्गजों ने आईसीसी से कर डाली बड़ी मांग, लगाए आरोप। और इस बीच इंग्लैंड दिग्गज, ऑस्ट्रेलिया दिग्गज और यहाँ तक के पाकिस्तानी दिग्गजों ने भारत की टीम को ठहराया बेईमान। जो कहा वो सुनने के बाद आप भी रह जाओगे हैरान। तो दोस्तों आखिर क्या बोले ये दुनिया भर के दिग्गज, वो तो आपको वीडियो में दिखाएंगे, बने रहिएगा अंत तक। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और बेन स्टॉक्स में से कौन अच्छा कप्तान है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैच की टेस्ट सीरीज के 3 मुकाबले सफलतापूर्वक खेले जा चुके हैं। जहां पहले टेस्ट मैच में भारत ने हार का सामना किया था, तो दूसरे टेस्ट मैच में भारत की टीम ने वापसी करते हुए मुकाबला जीता और तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड की टीम को कहीं का नहीं छोड़ा और 434 रन से इस शानदार जीत को हासिल किया। और यह मैच जीतने के साथ भारत की टीम अब इस श्रृंखला में 2-1 से आगे हो चुकी है और अब पूरी उम्मीदें हैं कि भारत की टीम इस सीरीज को भी अपने नाम बड़ी आसानी से कर लेगी। वहीं हम आपको बता दें कि इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी और पहली पारी में रोहित और जडेजा के शतकों की बदौलत टीम इंडिया 445 रन बनाने में कामयाब हुई और फिर इंग्लैंड की टीम ने 319 रन ही बनाए थे और फिर भारत की टीम उतरी और 430 रन बनाकर इंग्लैंड के आगे उन्होंने 557 रन का लक्ष्य रख दिया। इस बीच भारत के लिए यशस्वी जायसवाल ने जहां दोहरा शतक जड़ा, तो वहीं रविंद्र जडेजा ने चौथे दिन 5 विकेट हासिल करके इंग्लैंड की टीम को 122 रन पर ही धाराशायी कर दिया और इस मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब रविंद्र जडेजा को मिला। हालांकि यह मैच जीत जाने के बाद आप तो जानते हैं कि यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान जिन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी इस मुकाबले में किया, उनकी बल्लेबाजी पर सवाल उठने तो तय थे ही और साथ में रविंद्र जडेजा पर भी कई बड़े इल्जाम इन दिग्गजों ने लगा डाले। इस बीच आइए आपको बताते हुए चलते हैं कि दुनिया भर के दिग्गज क्या कहते हैं। पहले बड़ा बयान निकल कर आता है वह केविन पीटरसन का, जिन्होंने कहा भारत की बल्लेबाजी काफी अच्छी थी इसलिए वो मैच जीते हैं। यशस्वी जायसवाल जैसे युवा बल्लेबाज जब 200 रन बनाते हैं और वो भी उस गेंदबाज के आगे जिसको उनसे ज्यादा उम्र का एक्सपीरियंस है जेम्स एंडरसन, उनके खिलाफ इतने रन मारे उन्होंने, तो जीतना इंडिया का ही बनता था। तो वहीं दोस्तों बात करें आगे बढ़ते अगले बयान के बारे में, वो निकल कर आता है शोएब अख्तर का, जो कहते हैं कि भारत की टीम ने इस मैच में बेईमानी की है। सरफराज खान जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहा है वो टेस्ट क्रिकेट के शॉट है ही नहीं। टेस्ट क्रिकेट में ऐसे शॉट लगाना गैर कानूनी है और आईसीसी के उल्लंघन के खिलाफ ये सब हो रहा है। आईसीसी को ध्यान देना चाहिए और सरफराज खान को बैन लगा देना चाहिए और वो बस फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही खेलता रहे अपनी टीम के लिए। तो वहीं बात करें आगे बढ़ते अगले बयान के बारे में, वो निकल कर आता है शाहिद अफरीदी का, जिन्होंने कहा टीम इंडिया का प्रदर्शन दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा लाजवाब होता चला जा रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि भारत की टीम को आखिरकार अब कौन हरा पाएगा जब सरफराज खान, यशस्वी जायसवाल जैसे बल्लेबाज भी यहाँ बेईमानी कर रहे हैं। इन बल्लेबाजों को पता ही नहीं है कि टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी कैसी करनी चाहिए। आप टेस्ट क्रिकेट को T20 बनाने का काम कर रहे हैं और गेंदबाजों को पिच से मदद बिल्कुल नहीं दे रहे हैं जिससे कि आप मुकाबले लगातार जीतते चले जाएं। एक मैच में इंग्लैंड को मदद मिली तो वो बड़ी आसानी से जीत गए थे, लेकिन अब भारत के खिलाफ आईसीसी को कोई ना कोई एक्शन तो लेना ही चाहिए। तो वही बात करें आगे बढ़ते अगले बयान के बारे में, वो निकल कर आता है रिकी पोंटिंग का, जो कहते हैं कि भारत की टीम का प्रदर्शन दिन प्रतिदिन और भी अच्छा होता चला जा रहा है। भारत की टीम ने जिस तरह की बल्लेबाजी और गेंदबाजी प्रदर्शन तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ दिखाया, वहां से जीतना इंग्लैंड के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था और मैं तो आशा करता हूं कि भारत की टीम आगे भी मुकाबले ऐसी जीतती रहे। तो वही बात करें आगे बढ़ते अगले बयान के बारे में, वो है महेंद्र सिंह धोनी का, जिन्होंने कहा कि हमारी टीम मैच जीती है, मैं काफी खुश हूं और वो भी 434 रन से। इतनी बड़ी जीत मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी और जो भी कह रहा है कि हमारे बल्लेबाज बेईमानी करते हैं, सरफराज खान शॉट अच्छे नहीं लगाते, वो टेस्ट क्रिकेट के शॉट नहीं है, आप जाकर पहले ये सीख लीजिए कि आपको खिलाड़ियों को इज्जत कैसे देनी है। सरफराज खान ऐसा ही खेलेगा, जिसमें दम है उसको निकाल कर दिखवा दे। तो दोस्तों यहाँ पर धोनी का यह बयान सुनकर तो लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों ने उनको सलाम ठोका, लेकिन अब आप क्या मानते हैं कि धोनी ने जो कहा वो सही है फिर गलत? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।